बड़ी खबर के साथ। खबर रांची से आ रही है, जहां 13 घंटे से हॉस्टल में कैद हैं छात्राएं और अब तक हॉस्टल का ताला खोला ही नहीं गया। मां सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल की यह घटना है। शिकायत के बाद भी पुलिस अभी तक ग्राउंड जीरो पर नहीं पहुंची। गेट पर वेल्डिंग का ताला जड़ दिया गया है। महिला लाली कक्षप ने ताला लगाया और उसका आतंक इतना कि इस ताले को खोलने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा। महिला का दावा नहीं कि वो जमीन उसने बेची है और उसी की जमीन पर ये हॉस्टल बना है। लोअर बाजार थाना क्षेत्र की ये घटना, जहां पर 13 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब ये 100 से ज्यादा छात्राएं इस हॉस्टल के अंदर कैद हैं। तो लाली कश्यप का ये दावा है कि जमीन जिस पर हॉस्टल बना है ये जमीन उसकी है। 3 तस्वीरों के जरिए जरा आप समझिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। 100 से ज्यादा छात्राएं बताई जा रही हैं कि वो इस वक्त इस हॉस्टल में अंदर बंद हैं और हॉस्टल के गेट पर देखिए कैसे वेल्डिंग कर इसे हमेशा के लिए जैसे बंद कर दिया गया हो, उसके बाद ताला भी जड़ा गया है। ऐसे में अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी का ना पहुंचना बड़े सवाल खड़े कर रहा है। 13 घंटे से ज्यादा का वक्त, आखिर पुलिस कहां है? क्या जिला प्रशासन को इसकी खबर नहीं? 100 से ज्यादा जो अंदर बंद हैं छात्राएं, उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कौन होगा? अरे तो लड़ाई दे दिए हैं, परेशान है। फिर भी अभी तक नहीं खोला है। सुबह को ही बोले थे, फिर भी अभी तक नहीं, नहीं, शाम हो गया। फिर बाहर अभी कैसे निकलेंगे, दिक्कत भी हो रहा है। प्रशासन से यही क्या बोलना चाहोगे कि जल्दी जल्दी से जल्दी गेट खुलवा दे? बस यही, उनको हमने कंप्लेन कर दिया है, प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन कब तक करेगी उसका कोई गारंटी नहीं दे पा रही है। होगा कि नहीं होगा उसका भी कुछ नहीं पता है, तो कोई कुछ एक्शन लेगा तभी ना। अब बंद करके आप कितना देर तक कैद रखिए? तो तस्वीरों के जरिए आप समझिए, जो हॉस्टल की छात्राएं हैं उनकी बस एक ही मांग है कि भाई हमें पता नहीं कि आखिर विवाद क्या है, हमें तो बस यहां से बाहर निकलना है। कैसे निकलेंगे ये कौन तय करेगा, कौन सुनिश्चित करेगा? हॉस्टल के अंदर जिन्हें व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है वो भी यहां पर बेबस नजर आ रही हैं। कह रही हैं कि भाई जब जानकारी दे दी तो 13 घंटे का वक्त क्यों लग गया? शिकायत के बाद भी आखिर पुलिस क्यों नहीं पहुंची, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, सबसे पहले तो यही बताइए कि क्या आपके पुलिस के अधिकारियों से किसी से बात हुई? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची थी, भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती भी की गई थी, लेकिन बावजूद इसके ताला को नहीं खोला जा सका है वो, और न ही जो वेल्डिंग किया गया है गेट उसे तोड़ा जा सका है। पुलिस की क्या मजबूरी है? पुलिस की मजबूरी जो है, पुलिस के अधिकारियों का यही कहना है कि ये जो कार्य है वो SDM या फिर मजिस्ट्रेट लेवल का है। हालांकि उस समय तक टाउन CO भी पहुंचे थे, उन्होंने भी मामले को जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो सामने आने को तैयार ही नहीं हुआ उनके पास, जिस वजह से जो टाउन CO भी पहुंचे थे उन्हें भी बैरंग लौटना पड़ा। हालांकि उसके बाद भी ये बातें कही जा रही थी, टाउन CO के माध्यम से ये बताया गया था कि जल्द ही जो है SDM भी पहुंचेंगे और उनकी उनके सामने ही ताले को कटवाया जाएगा। ठीक, ओम प्रकाश, एक घंटे की बात नहीं है, 2 घंटे की बात नहीं है, 3 घंटे की बात नहीं है, 13 घंटे हो चुके हैं। 13 घंटे में SDM साहब को पता नहीं किसका इंतजार है, जिला स्तर पर प्रशासन की टीम क्या कर रही है, ये सामने लाली कक्षप ये कौन है और किस वजह से इन बच्चियों को अंदर बंद कर दिया गया? जी बता दें कि ये पूरा जो विवाद है वो जमीन से जुड़ा हुआ है और उसी को लेकर ये पूरा विवाद जो है वो छनकर सामने आया था। हालांकि इसे लेकर कोई भी आधिकारिक तौर से अगर कहा जाए तो बातें नहीं की जा रही है, लंबा वक्त जरूर गुजर गया है लेकिन प्रशासन के द्वारा अब तक उस गेट को नहीं खुलवाया जा सका है। दूसरी तरफ अगर लाली कच्छप की बात करें तो उसका यही कहना है कि उसके पति को बरगला कर ये जमीन जो है ले लिया गया था, इसके एवज में कुछ पैसे भी नहीं दिए गए थे,
जिसे लेकर ही वो आए दिन वहां पर जाकर हो हल्ला करती है, अपने दबंगई भी दिखाती है और कई जो अपने गार्ड भी उसने रख रखे हैं हथियार के साथ, उन गार्डों के की सहायता से भी वहां के लोगों को डराती धमकाती है। पूरे इलाके के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं लाली कच्छप के कारण अगर कहा जाए तो वो दहशत में जरूर रहते हैं। चलिए, स्थानीय लोग तो दहशत में रहते हैं लाली कच्छप के डर से, लेकिन जिला प्रशासन क्यों डरी हुई है, उसे किसका डर है, क्यों अब तक कार्रवाई नहीं हुई, ये बड़े सवाल हैं। और अगर ये 100 जो छात्राएं अंदर बंद बताई जा रही है, अगर कुछ अनहोनी हो जाए, अगर उन्हें किसी तरह की परेशानी हो जाए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। सीता सोरेन के मामले में झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हेमंत विश्व शर्मा का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें इरफान अंसारी को उन्होंने कहा कि जेल जाना होगा आपको। जामताड़ा में हेमंत विश्व शर्मा की तरफ से ये बयान दिया गया और कहा गया कि अगर सत्ता में हम आए तो अगर ये बनता है माहौल तो आपको जेल जाना होगा। सीता सोरेन के मामले में ये बड़ा बयान हेमंत विश्व शर्मा की तरफ से, इरफान अंसारी को जेल जाना होगा, बीजेपी की सरकार बनी तो भेजेंगे जेल। इरफान अंसारी को हेमंत सोरेन का संरक्षण मिला हुआ है। आज इरफान अंसारी का दुस्साहस देखो, क्यों ऐसा हो रहा, इसलिए ये सरकार घुसपैठियों को और इरफान अंसारी जैसा व्यक्ति को ये लोग संरक्षण देते हैं। तो हम ये वादा करता हूँ, सरकार आने दीजिए, सीता सोरेन जी को जो अभद्र भाषा का व्यवहार कर किया है इसका कारण इरफान अंसारी जेल जाना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के ठीक 6 महीने बाद झारखंड का महासंग्राम छिड़ा है। लोकसभा की जंग में हर दिन हर हफ्ते मुद्दे बदलते रहे, लेकिन झारखंड में चुनाव के आगाज से पहले ही बीजेपी ने जो लाइन तय कर दी, आज भी चुनावी मुद्दे में सबसे ऊपर वो है संथाल में बांग्लादेश का मुद्दा। और इस पर एक बार फिर से बीजेपी बेहद मुखर है और सरकार बनने पर बड़े फैसले का वादा कर रही है। झारखंड में लागू होगी एनआरसी, घुसपैठियों पर चलेगा कानून का डंडा, मिनी बांग्लादेश बन रहा संथाल। झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने से करीब 1 महीने पहले ही बीजेपी ने संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा उठाया वो आज भी पार्टी के लिए उतना ही मजबूत है और बीजेपी इस पर टस से मस नहीं हो रही। संथाल परगना और कोल्हान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। असम के सीएम और झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने चुनाव के बाद एनडीए की सरकार बनने पर झारखंड में एनआरसी लागू करने का राग छेड़ दिया है। जब सरकार बनेगा हम एनआरसी लाऊंगा, कानून का रास्ता से हम लोग घुसपैठियों को धक्का मार के झारखंड से निकालो। जामताड़ा में बीजेपी से सीता सोरेन के नामांकन के बाद पदयात्रा के दौरान हेमंत बिस्वा शर्मा ने आगाह किया कि घुसपैठियों की वजह से संथाल मिनी बांग्लादेश बनने की कगार पर है। अगर ऐसे ही घुसपैठी आते रहते हैं तो झारखंड पूरा अलग हो जाएगा, डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा और मिनी बांग्लादेश बन जाएगा। संथाल परगना मिनी बांग्लादेश बनने का कदर में है। इतना ही नहीं, हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक और बड़ा वादा कर दिया है कि यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो जो घुसपैठिए झारखंड की बेटियों को बहलाकर उनसे शादी करते हैं, उनके बेटे बेटी को आदिवासी का दर्जा भी नहीं देंगे। झारखंड का जो भी बेटी को घुसपैठियों ने अपना जाल में फंसा के शादी किया है, उनका बेटा बेटियों को आदिवासी का मर्यादा नहीं मिलेगा। अगर पिता घुसपैठी होते हैं तो बेटा बेटी को हम आदिवासी का मर्यादा नहीं देगा।
इधर हेमंत बिस्वा सरमा के बयान से तिलमिलाए जेएमएम ने असम के मुख्यमंत्री पर बेहद तल्ख लहजे में पलटवार किया है। हेमंत बिस्वा सरमा जी एक जहरीले व्यक्ति हैं, उनके मुख से हर वक्त जहर निकलता है और वो ये जहर को झारखंड की धरती पर बोने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। तो झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी के एजेंडे में टॉप पर है और घुसपैठ पर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। राज्य सरकार घुसपैठ पर जहां केंद्र सरकार को घेरने में लगी है, तो बीजेपी लगातार राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। ऐसे में 13 और 20 नवंबर को अब जनता को फैसला करना है कि किसके दावे में कितना दम है। न्यूज 18 के लिए जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो झारखंड में चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार बनने पर हेमंत बिस्वा सरमा ने बड़ा दावा किया। अब जरा वो उन दावों के बारे में भी जान लेते हैं कि करके आखिर ये दावे क्या किए गए हैं और क्या बदलने वाला है। तो झारखंड में बीजेपी का दावा है कि सरकार बनी तो झारखंड में एनआरसी को लागू किया जाएगा। कानून के रास्ते बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखा देना है। आदिवासियों से शादी करने वाले घुसपैठियों पर भी एक्शन जो है वो लिया जाएगा। ये वो वादे हैं जो बीजेपी कर रही है, सत्ता में अगर आए तो यही होगा। घुसपैठियों के बच्चे को आदिवासी का दर्जा जो है वो नहीं दिया जाएगा। वहीं घुसपैठियों से शादी करने वाली महिला लोकल चुनाव नहीं लड़ पाएगी। ये वो तमाम वादे हैं जो बीजेपी कर रही है। संथाल को घुसपैठियों और घुसपैठ के प्रभाव से मुक्त करेंगे। ये जो प्रभाव इनका दिखता है इससे आपको मुक्ति मिलेगी। सरकार बनी तो झारखंड में एनआरसी को लागू किया जाएगा। ये वो तमाम बड़े वादे जो बीजेपी इस वक्त कर रही है। हालांकि जनता इन पर कितना यकीन करती है ये देखना होगा। तो झारखंड में घुसपैठ पर सियासी घमासान इस वक्त खूब छिड़ा हुआ है। संथाल में घुसपैठ पर मुखर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने अब हेमंत सरकार को एक चिट्ठी लिख दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठी झारखंड में आते हैं जिन्हें फर्जी दस्तावेज बनाकर राज्य की नागरिकता दिलाई जाती है। ऐसे में राज्य में एनआरसी के हथियार से ही इन घुसपैठियों को रोका जा सकता है। आदिवासियों की संख्या घट जाए, आदिवासी मर जाए, आदिवासी तुरहित हो जाए, इसके लिए ना कांग्रेस को मतलब है, ना झारखंड मुक्ति मोर्चा को मतलब है। और संथाल परगना एक ऐसे भयावह स्थिति में है कि जो ग्रेटर बांग्लादेश बनने की स्थिति है वो संथाल परगना से उसकी शुरुआत हो रही है। और इस पर जब तक कि एनआरसी लागू नहीं हो जाएगा, आदिवासियों का जमीन हम उनको वापस नहीं लौटा देंगे, और जब तक बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ खदेड़ कर नहीं भगा देंगे, भारतीय जनता पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। ये तो झारखंड के संग्राम में कोल्हान का किला फतह करने के लिए पीएम मोदी 4 नवंबर को चाईबासा पहुंच रहे हैं। टाटा कॉलेज मैदान में पीएम मोदी चुनावी सभा को संबोधित करते दिखेंगे और एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी नेताओं ने सभा स्थल का जायजा लिया। दो हेलीकॉप्टर उतर जाता है, जाने से स्वाभाविक रूप से कोल्हान के यहाँ पर जितने भी हमारे सीट है, विधानसभा सीट है, वो सुनिश्चित है कि यहाँ से हम लोग जीता करके भेजेंगे। ये अपने आप में कैसे अभी रुझान बढ़ गया है, कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं। एक ऐसा व्यक्ति का आज आगमन होने जा रहा है जो देश आजाद होने के बाद पहली बार गांव में रहने वाले गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, सभी समाज, सभी वर्ग के लोगों के दरवाजे तक विकास की किरण पहुंचाने का काम किया है। अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को जमीन उतारने का काम किया है और दिल से आशीर्वाद और दुआ देने का काम कर रहे हैं लोग। पूरे झारखंड में एक परिवर्तन की लहर चल पड़ी। तो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने धनवार सीट से नामांकन कर दिया है। खौरी महुआ अनुमंडल कार्यालय में बाबूलाल मरांडी ने दो सेट में अपना नामांकन भरा। नामांकन भरने के बाद बाबूलाल मरांडी ने रोड शो भी किया। इस दौरान समर्थकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। नामांकन के बाद बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस बार जनता चुनाव लड़ रही है और जनता की ही जीत होगी। उन्होंने कहा कि इस बार गठबंधन की सरकार को जनता विदा कर देगी। अरे नहीं हो पाएगा, चुनाव लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं।
होती है। मालिक जिसको सेवा के लिए नियुक्त करेगी वो नियुक्त करेगी। देखिए मैं बार बार कहा हूँ, ये चुनाव मुख्यमंत्री और मंत्री के लिए नहीं है, झारखंड को बचाने के लिए, झारखंड को ठगों से बचाने का है, दलालों से, बिचौलियों से बचाने का चुनाव है। और झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबर, बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन ने भी आज नामांकन किया है। दो सेट में उन्होंने अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। जामताड़ा से चुनाव लड़ रही हैं सीता सोरेन। नामांकन के बाद सीता सोरेन ने कहा कि जनता जनार्दन हमें आशीर्वाद दे रही है, ये हमारा परंपरागत सीट है। सीता सोरेन ने यह भी कहा कि वे इरफान अंसारी के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए यहां आई हैं और उनके विवादित बोल मामले में माफी जैसी कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि इरफान अंसारी कोई बच्चे नहीं है कि बार बार गलती करें और माफी मांगे। जो भी बीच में आतंक हुए हैं उस आतंक से हम मुक्ति दिलाने के लिए फिर से इस धरती पर हम आ गए हैं। आप किसी को, माताओं को, बहनों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तो बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने देवघर में बीजेपी उम्मीदवार नारायण दास के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम के खिलाफ जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि इन तीनों पार्टियों ने सीता का अपमान किया है और बीजेपी उनकी पूरी लंका को नष्ट कर देगी। कांग्रेस और आरजेडी और जेएमएम के बाप की लंका को जलाते हम राख कर रहे हैं। वहीं जेएमएम की रांची विधानसभा उम्मीदवार महुआ मांझी ने आरजेडी कार्यालय में जाकर समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में लालू प्रसाद से समर्थन मिला था और इस बार भी आरजेडी पूरा सहयोग दे रहा है। महुआ मांझी ने कहा कि उन्हें जीत की उम्मीद है क्योंकि रांची के लोग विकास की कमी और समस्याओं से परेशान है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य की राजधानी की स्थिति ठीक नहीं, लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। समर्थन मुझे प्राप्त था, आशीर्वाद प्राप्त था, तो मैं एक बार पुनः उनसे अनुरोध करूंगी कि ये आशीर्वाद मुझे इस बार मिले और हमारे महागठबंधन की जीत को सुनिश्चित करें। तो झारखंड में दूसरे चरण के लिए नामांकन की कल आखिरी तारीख है। पहले आज बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने नामांकन किया और इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर छह तस्वीरें हैं। इन छह तस्वीरों में प्रत्याशियों के नामांकन को आप देख सकते हैं। पहले तस्वीरें लिट्टीपाड़ा की है, जहां पर जेएमएम उम्मीदवार हेमलाल मुर्मू नजर आ रहे होंगे, जिन्होंने नामांकन किया और सीएम हेमंत सोरेन उनके नामांकन के दौरान मौजूद रहे। रामगढ़ से आसू की सुनीता चौधरी ने नामांकन किया। गोड्डा से आरजेडी के संजय यादव भी नामांकन के साथ ही चुनावी मैदान में अब कूद पड़े हैं। दुमका के शिकारीपाड़ा से बीजेपी के टिकट पर पारितोष सोरेन ने नामांकन किया, तो धनबाद से बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो के भाई शत्रुघ्न महतो ने बाघमारा से पर्चा भरा, जबकि जामताड़ा के नाला सीट से बीजेपी उम्मीदवार माधव चंद महतो ने नामांकन किया। पर्चा भरने के बाद सभी ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। गोड्डा में महगामा विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार अशोक भगत ने नामांकन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे और बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि लोगों ने मन बना लिया है, अब बीजेपी की सरकार बनेगी। इसी प्रकार से दोहराया जाएगा और यह सरकार बनेगी, विकास के रास्ते खुलेंगे, गरीबों की सेवा होगी और कुल मिलाकर झारखंड देश का सबसे अच्छा राज्य बने, यह हम सब ने भी संकल्प लिया है। और जनता का मनोदशा जो दिखाई दे रही है, वास्तव में सच्चे अर्थों में दिवाली मनाएगी जब यह कुशासन का अंत होगा। तो वहीं गोड्डा में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला किया है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर लोकतंत्र से खेलने का आरोप लगा दिया। बीजेपी दूसरे दलों के विधायकों को तोड़ने का प्रयास करती है। संजय यादव के नामांकन सभा में मंच से तेजस्वी ने कहा कि जहां बीजेपी सरकार नहीं बना पाती, वहां ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए डराने का काम करती है। कितना भी प्रयास किया हो तोड़ने में, डराने में, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगाने में या विधायकों का प्रयास किया गया खरीदने में, लेकिन
हम लोग एकजुट रहे हैं और हमारी सरकार 5 साल चली। तो मांडर में बीजेपी ने सन्नी टोप्पो को चुनावी मैदान में उतारा है, तो गांव-गांव जाकर राज्य सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार और नाकामियों को लोगों को बताया जा रहा है। सन्नी टोप्पो खुद को सरना धर्मकोट का समर्थक बताते हैं, बीजेपी की सरकार आने पर इसे लागू करने का दावा कर रहे हैं। पलायन सबसे बड़ी समस्या है। आज मांडर विधानसभा क्षेत्र में हमारे लोग, अभी धान कटनी का समय है, धान कटनी के बाद मुझे लगता है गांव का गांव खाली हो जाता है। रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। हमारे बाबा और बेबी यहां के लोगों को रोजगार आज तक नहीं दे पाए हैं। मांडर में कॉलेज में जो फंड आया है और जो बेड़ो कॉलेज में फंड आया है उनके अनुशंसा पे नहीं आया। उनको जब पता चला कि रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा, राज्यपाल के अनुशंसा के द्वारा जब वहाँ पे कॉलेजों में जब फंड आया, तो उनको अनाप शराब में जाके झूठ मूठ का खाली शिलान्यास करने का काम किए। हजारीबाग के मांडू विधानसभा से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जयप्रकाश भाई पटेल ने आज अपना नामांकन दर्ज किया और जीत का दावा करते नजर आए। पटेल ने कहा कि मांडू की जनता हमेशा उनके साथ रही है और इस बार भी उन्हें आशीर्वाद मिलेगा। उन्होंने विकास कार्यों की निरंतरता पर जोर देते हुए कहा कि योजनाएं धरातल पर उतारी जाएंगी। 2019 में बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले पटेल ने कांग्रेस में शामिल होकर 2024 विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला लिया। भी अपना मैं किया, निश्चित रूप से आप सबों के आशीर्वाद से, आप लोग का प्यार से हम लोग चुनाव जीते। चाईबासा में चाईबासा की खबर का रुख करें, उससे पहले इस वक्त खबर आ रही है जामताड़ा से, जहां के नाला विधानसभा क्षेत्र से सीपीआई उम्मीदवार कन्हाई माल पहाड़िया ने नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होंने जिला परिषद कार्यालय में निर्वाची पदाधिकारी पूनम कश्यप को 2 सेटों में नामांकन पत्र सौंपा। प्रेस से बातचीत में उन्होंने कहा कि जनता का समर्थन उन्हें मिल रहा है और वो लगातार 3 बार हारने के बावजूद चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। जो फैसला जनता हमको मन बनाया है, जरूर हमको उम्मीद है कि हमारे नाला विधानसभा का जितना शिक्षित युवा, नौजवान, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, आदिवासी, दलित सभी लोग मन बना है कि कन्हाई माल पहाड़िया को हम लोग जिताएंगे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।